हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए के मैथ्स। आज की वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली इस शॉर्टकट से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल विद इन 5 सेकंड्स इजीली निकाल सकते हैं एंड ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग NDA एंड एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जामिनेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस शॉर्टकट को। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में गिवन है तो आपको करना क्या है कि इस ए प्लस आयोटा बी फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको केवल इमेजनरी पार्ट पता करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इमेजनरी पार्ट आपका बी है तो आप उसको मॉड्यूलस वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी मॉड्यूलस बी कर दीजिए उसका। मॉड्यूलस बी का मतलब यहाँ पे ये है कि बाय चांस आपका इमेजनरी पार्ट नेगेटिव है तो उसको भी आपको पॉजिटिव रखना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, अपॉन में 2 करना है। तो आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर के आपको दो फैक्टर करने हैं, उस नंबर के दो फैक्टर करने हैं। एक फैक्ट, वो दोनों फैक्टर ऐसे होने चाहिए ताकि उनके स्क्वायर्स का यानी उनके वर्गों का जो डिफरेंस है, अंतर है, उनका दोनों का डिफरेंस किया जाए तो वो आपको रियल पार्ट मिल जाना चाहिए। वही दो फैक्टर्स को करने हैं, ठीक है। अब ये पूरी कहानी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, एक एग्जांपल से पूरी बात समझाता हूं। देखिए, जब भी आपको कोई नंबर ये दिया हुआ है 5 प्लस 12 आयोटा, इसका आपको स्क्वायर रूट करना है। मैथमेटिकली इस बात को लिखा जाए तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है कि भाई इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। वैसे प्रोसीजर वाइज देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ पेज का ये सॉल्यूशन बन जाता है, कुछ इक्वेशंस वगैरह आपको बनानी होती है। बट यहाँ पे शॉर्टकट देख रहे हैं तो आपको इसका इमेजनरी पार्ट पकड़ना है। तो यहाँ पे 12 है इसका इमेजनरी पार्ट, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। तो आप इजीली यहाँ देख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आपको 6 मिलेगा। अब 6 के फैक्टर किए जाएँ तो फैक्टर तो 6 के 6 इंटू 1 भी हो सकते हैं, बट हमें ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनके स्क्वायर्स का डिफरेंस रियल पार्ट आ जाना चाहिए। ये आपका रियल पार्ट है, रियल पार्ट यहाँ पे 5 है तो आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होने वाला है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस करिए ना तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 आएगा और 5 ही यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उसका मतलब ऐसे दो फैक्टर हम लोग कौन कौन से कर सकते हैं, 3 एंड 2, और दोनों रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के बीच में यहाँ पे साइन प्लस का रखा हुआ है ना। तो इसका मतलब आप इसका स्क्वायर रूट सीधा लिख सकते हैं 5 प्लस 12 आयोटा, इसका यदि वर्गमूल किया जाए, स्क्वायर रूट किया जाए तो प्लस माइनस तो खैर आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका हो गया प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ आपका रियल पार्ट 3 बनने वाला है। बड़ा पार्ट जो है वो बड़ा नंबर रियल पार्ट ये बनेगा 3 और प्लस में दूसरा नंबर आपका 2 है और ये आयोटा के साथ में आएगा, ठीक है, ये आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो विद इन आपने सेकंड्स जो है वो जल्दी से इमेजिनरी पार्ट पता किया, हाफ किया, उसके दो फैक्टर किए, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस रियल पार्ट आ जाए तो उस केस में आप डायरेक्टली उसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं पूरे शॉर्टकट को। सपोज आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3 माइनस 4 आयोटा और इसका हमें स्क्वायर रूट करना है। ऑब्वियसली आपको स्क्वायर रूट करना है तो कुल मिला के वो आपसे ये पूछ रहा है 3 माइनस 4 आयोटा का वैल्यू कितना होगा। अब यहाँ आप नोटिस करिए, यहाँ बीच में माइनस साइन है, ये वाला माइनस साइन है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, और यहाँ पे आपका इमेजनरी पार्ट जो है ना, यानी उसका काल्पनिक भाग, वो माइनस फोर है। तो यहाँ आप इसका माइनस फोर का मॉड्यूलस कर लेंगे और डिवाइडेड बाई 2, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट 2 आएगा। अब 2 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जिनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी उनके वर्गों का अंतर रियल पार्ट आ जाना चाहिए, रियल पार्ट यहाँ पे 3 है। तो आप इसके दो फैक्टर ऐसे कर सकते हैं, एक नंबर तो आपने 2 लिख दिया, एक नंबर 1 लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो 4 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 आएगा और दोनों का डिफरेंस किया जाए तो 4 माइनस 1 आपको 3 ही मिलेगा और यही नंबर यहाँ रखा हुआ है। इसका मतलब ऐसे दो फैक्टर्स पॉसिबल हो गए। अब आप देख सकते हैं कि जब इसका स्क्वायर रूट हम लोग लिखेंगे तो 3 माइनस 4 आयोटा, यहाँ फैक्टर करते टाइम बड़ा नंबर हमें 2 मिला है तो यहाँ प्लस माइनस तो आएगा ही, खैर यहाँ बड़ा नंबर 2 है और दोनों नंबर्स के बीच में क्वेश्चन में हमें इस बार माइनस दिया हुआ था तो बीच में माइनस आएगा और यहाँ इमेजनरी पार्ट आपका 1 है तो 2 माइनस आयोटा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो विद इन सेकेंड्स आपने जो है वो अप्लाई किया मेथड और आपको आंसर मिल गया। तो आप डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक से, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करिए, इस शॉर्टकट का यूज़ करिए तो आपको और अच्छे से इसमें रिफाइनमेंट होगा, आपकी टेक्निक और टाइम जो है वो दोनों ही डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे सारे जो ट्रिक्स हैं मैं ओवर द टाइम डिफरेंट टाइम पे आपको अपलोड करता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।